हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम है आप सभी का आज के व्लॉग में। तो अभी लाइक सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं यहाँ सब्जियाँ काटने में लगी हूँ क्योंकि आज है कुकिंग कंपटीशन और लाइक हमारे यूनिट से 2 लोग जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट यूनिट से लोग आने वाले हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन होगा, जजेस होंगे, सब टेस्ट करेंगे। तो उसी का प्रिपरेशन चालू हो रखा है मेरा। सुबह 5 बजे से ही 9:30 बजे जाना है क्योंकि हमारे को स्कूल भी जाना है, इसलिए जल्दी उठना पड़ा है। वैसे तो डेली 4:30 बजे उठती हूँ, बट इस बार 4 बजे उठी हूँ। तो चलो अभी फटाफट से ना मैं ये सारा काम ख़त्म करती हूँ क्योंकि अगर लेट हो गया तो फिर पंगा हो जाना है क्योंकि हमारे को स्कूल भी भेजना है। तो अभी मिलती हूँ आपसे जब मैं रेडी हो जाऊँगी उसके बाद। तो गाइस मेरी प्रिपरेशन चालू हो गई है। मैंने अभी बहुत ही थोड़ा सा तेल डाला है इस पनीर को सॉटे करने के लिए। यहाँ मेरा ये सैलेड ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसमें पनीर डालने हैं और यहाँ के सारे प्रिपरेशन डन है, बस अब बस बनाना है। और ये ड्रैगन फ्रूट आप देख रहे हो कितना लाल है और उसमें से कलर देख रहे हो आप, आई डोंट नो ये ऐसा ही है क्या है, पता नहीं मुझे। तो चलो अभी मैं जल्दी जल्दी से बनाना शुरू करती हूँ और ये तेल जब तक पूरे अच्छे तरीके से गर्म ना हो जाए ना तब तक मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से गर्म करना है मुझे एंड देन फिर इसको सॉटे करूँगी, वरना ये अच्छे से सॉटे नहीं होगा। ध्यान नहीं बांट रहा, इसको बाहर जाना है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो आज का मेरा दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक था, ओह माय गॉड। मतलब मैं सुबह 4 बजे से उठ के किचन में लगी हुई और फिर उसके बाद लाइक सारा सब कुछ कॉम्पिटिशन में गई, फिर वहाँ पे सब कुछ हुआ एंड देन लगभग 12:30 बजे तक मैं घर आई हूँ एंड उसके बाद फटाफट से लंच बनाया, सब खाया। उसके बाद जो मैं सोई हूँ, मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं उठने वाली नहीं हूँ, इतनी नींद आई थी। जबकि मैं सुबह 4 बजे तक नॉर्मली 4:30 तक मैं डेली उठ जाती हूँ, पर आज पता नहीं क्या, एक्चुअली कल मेरी फास्टिंग थी उसकी वजह से मेरा ये हाल हो गया है। और मेरा वॉइस भी थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा आपको, क्योंकि तो मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले। वो भी हस्बैंड उठा के गए हैं, उनका ड्यूटी है तो वो भी गए हुए हैं और आज हमारे लाइक यूनिट में किसी का बर्थडे है तो वहाँ भी जाना है। अगर हस्बैंड का ड्यूटी टाइमिंग चेंज हो जाता है तो फिर हम जाएंगे, वरना नहीं जा सकते क्योंकि इनके बिना हम कहीं नहीं जाते, मतलब हस्बैंड के बिना हम कहीं नहीं जाते हैं, इसलिए क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं कहीं नहीं जाती ऐसे अकेले जब तक हस्बैंड साथ में नहीं होते। तो अभी वो थोड़ी देर में बताएंगे कि क्या है, जाना है नहीं जाना है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं कितनी थकी हुई हूँ, कल फास्टिंग की वजह से ये हो गया। अगर कल फास्ट नहीं रहता ना तो आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। मेरा पूरा बॉडी ऐसा लग रहा है ना खिंच रहा है बिल्कुल गंदे तरीके से। तो आज जो मैंने लंच में बनाया ना, वीडियो शूट नहीं कर पाई, मतलब मैंने सब कुछ करा लेकिन मैंने अपने लंच का फ़ोटो नहीं खींचा, बताओ मुझे। मैं एक्चुअली मैं लेट हो गई थी, जजेस आ गए थे एंड मैं तब पहुंची हूँ। 2 बच्चों के साथ यही होता है यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। हमारा क्या स्कूल भी था, आज मैं स्कूल नहीं भेजती बट फिर वो रहती कहाँ, इसलिए उसको स्कूल भी भेजना पड़ा। तो इसलिए तो आज मैंने लंच में बनाया था चपाती नूडल्स लंच बॉक्स में जो वहाँ लेके गई थी मैं, और फर्स्ट वन इसे फर्स्ट टिफिन में था चपाती नूडल्स और चाइनीज़ सैलेड विद ड्राई फ्रूट्स। सेकेंड जो लंच बॉक्स था उसमें मैंने बनाया था डोसा लॉलीपॉप मिलेट्स लड्डू एंड उसके साथ था फ्रूट, दैट्स इट। तो मतलब मेन जो डिश थे मेरे वो 3 थे, लाइक चपाती नूडल्स, साथ में चाइनीज सैलेड और दूसरे में था दैट वो डोसा लॉलीपॉप। तो एक तो बहुत मतलब प्यारे लग रहे थे, जजेस वर लाइक जजेस को भी वो मतलब मेरा टिफ़िन का पूरा डेकोरेशन जो था वो पसंद आया था, इवन कुछ जजेस ने फ़ोटो भी क्लिक करे, तो बहुत ही अच्छे से हुआ सब कुछ।
बाकी अब जो भी है रिजल्ट का मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज मैं इतना नहीं सोच के चलती हूँ कि भैया आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैंने बस जो मेरा था मैंने अपना कर दिया है। बाकी देखो अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो मुझे पसंद है वो जजेस को भी पसंद आए, एज अ टेस्ट टेस्ट के लिए मैं बोल रही हूँ। डेकोरेशन वगैरह जो प्रेजेंटेशन था मेरा वो जजेस सारे जजेस को बहुत ही पसंद आया, या मतलब बड़े बड़े लेवल्स के लोग आए हुए थे तो काफ़ी पसंद आया उनको। एंड मेरे साथ मेरे एक और मेरी यूनिट की थी दी, तो हम दोनों का स्पेशली हम दोनों के डिशेस का फ़ोटो खींच के लेके गई थी। मतलब सारी यूनिट से दो लोग थे इसलिए, तो हमारी यूनिट से भी दो लोग थे, मैं और एक और दी थी। उन्होंने जो डिशेस बनाए थे वो स्प्राउट्स के बनाए थे सारे के सारे, लाइक जैसे कोफ्ते हो गए स्प्राउट्स के, रायता हो गया, देन फिर और भी कुछ कुछ थे, मध्यान हलवा था और भी कुछ कुछ था, तो ये सारी चीज़ें। तो मतलब हम दोनों के ही फ़ोटो खींच के वो लेके गए, तो अच्छा लगा देख के कि मतलब बाकी का नहीं खींचा और हमारे खींच के लेके गए, तो ये चीज़ अच्छा लगा मुझे। चलो बाकी जो भी रिज़ल्ट होगा मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, जो भी हो जाए बस खुश हूँ कि लाइक प्रेजेंटेशन अच्छा लगा सबको, क्योंकि मेन जो होता है ना लुक होता है। अगर लुक अच्छा है बाकी डिस को तो बाद में खा टेस्ट करते हैं लोग, सबसे पहले लुक जो मतलब कैसा दिख रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो एंड क्योंकि मतलब मेरी सारी चीज़ें हेल्दी थी, मतलब आप देख लो मैंने जो नूडल्स बनाए थे वो आटे से बनाए थे, गेहूं के आटे से बनाए थे, घर पे चपाती बना के उसके बाद उसका नूडल्स बनाया था, सैलेड में भी वेजिटेबल और पनीर थे उसके बाद, एंड जो डोसा था उसमें भी बहुत सारे वेजिटेबल्स थे, और उसमें मैंने कैट का शेप बनाया था मतलब। तो वैसा दीदी के लिए भी लेना है तुम्हें डोरा केक, खुद तो खा लो पहले, अभी चलेंगे हम लोग घूमने के लिए है ना, तो केक किधर लेगा, घूमने जाएगा तब तो केक लेके आएंगे हम, घूमने के लिए नहीं लेगा तो फिर केक कहाँ मिलेगा, दुकान में केक नहीं रहता, नहीं रहता किचन में नहीं है ना, बिस्किट है बस, बिस्किट लेगा हाँ, डोरा केक तो खा गया तू सारा, मुझे बैठने भी नहीं देता शांति से, तो मैं नहीं उतार तो उतार के दिखाऊंगी तुझे। चलो ना पापा, चलो।